नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा रेसिपी बना के दिखाऊंगी। तो मैं किस चीज़ का रेसिपी बना के दिखाऊंगी आप लोगों को बता देती हूँ। आज मैं आप लोगों को कटहल का रेसिपी बना के दिखाऊंगी और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अरे देखिए, ये है कटहल का पेड़ और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे एकदम ये कटहल दो फरे हुए हैं। काफ़ी ढेर सारे इसमें कटहल लगे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी ढेर सारा कटहल का पेड़ भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए उधर भी कटहल बड़े बड़े लगे हुए हैं। देखिए ये तीन का घोपेदार कटहल काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, कटहल का पेड़। एक पेड़ में कटहल काफ़ी ढेर सारे बड़े बड़े लगे हुए हैं, काफ़ी ढेर सारा इसमें से जो है कि तोड़ा भी गया है। तो अभी मैं आप लोगों को और भी दिखाने वाली हूँ। इधर एक कटहल का पेड़ जो है कि सूख रहा है, एक भाई इसका सूख गया है, एक भाई रह गया है। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इधर पे, ये देखिए एक कटहल का पेड़। ऐसा कटहल का पेड़ है तो हमने जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ, काफ़ी बड़ा सा काफ़ी। ये देखिए यहाँ नीचे से शुरू है, ऊपर तक ये पूरा कटहल फरा हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इधर से जो ये डंठल दिख रहा है ना, ये सब सारे कटहल टूट चुके हैं इसमें से, अभी ये बाकी है। इधर पे देखिए कि अभी मैं इस पे यहाँ देखी थी एक क्या था वो गिलहरी का बच्चा जो कि यहीं पे बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, मुझे देखा तो भाग गया वो। कितने ढेर सारे कटहल लगे हुए हैं। तो चैनल बनाओगे तो मैं इस कुर्सी पे जो है कि चढ़ूंगी, उसके बाद कटहल को तोड़ूंगी। मुझे गिर जाए। ये देखिए तो हमने कटहल को तोड़ लिया हुआ है, अब मैं इसका ले चलूंगी घर पे, आप लोगों को रेसिपी बना के दिखाऊंगी। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों एक कटहल मुझे और चाहिए थी, तो जो पसंद था वो ऊपर था, तो हमने देखिए भैया जी को चढ़ा दिया हुआ है, भैया तोड़ लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे सारे कटहल ढाल पे जाके बैठ गए हैं। तो देखिए मैं कटहल लेके चल रही हूँ घर पे अब। तो दोस्तों कटहल को हम लेके आ चुके हैं घर पे। तो जो है कि हमने कटहल रख दिया था कम से कम 4-5 दिन तक, तो ये जो है कि अच्छी तरीके से पक गया है। तो आज हम जो है कि आप लोगों को जो इसमें बीज होता है उसका रेसिपी बना के दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। तो इसको हम अब काट लेते हैं, बहुत ही आसानी से अब कट जाएगा। तो इसमें से जो है कि दोस्तों अपने रूम में रखे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही थी क्योंकि ये पक गया है। ये देखिए ये पक चुका है, देखिए बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। और इसमें काटने के बाद और ज़्यादा इसकी खुशबू बढ़ गई। तो इसमें से जो सारे कोआ है मैं उसे बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए कितने आसानी से सारा कोआ निकल जाएगा। तो इसमें से देखिए सारा जो कोआ है मैंने बाहर निकाल लिया हुआ है, इसे मैं रख देती हूँ साइड में। तो इस जो कटहल है इसमें जो बचे हुए हैं उसे भी मैं निकाल लूँगी। तो देखिए काफ़ी ढेर सारा इसमें कोआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। सिर्फ ऐसे कर दे रहे हैं सारा कोआ बाहर आ जा रहा है। तो हमने सारे कोआ को निकाल के बाहर कर लिया हुआ है, देखिए एक थाली में रख लिया हुआ है। तो अभी हम इसमें से क्या करेंगे, जो इसमें बीज रहेगा उसे बाहर करेंगे और ये जो पल्प रहेगा उसे बाहर करेंगे। तो
तो पल्प दे देंगे, सब लोग खा लेंगे और बीज का हम रेसिपी बनाएंगे। तो अब मैं इसमें से सारा बीज जो है बाहर निकालूंगी। ये देखिए निकालती जाऊंगी और जो पल्प है इधर रखती जाऊंगी, सब लोग खाएंगे। तो दोस्तों जो है कि हमने इसमें से जो बीज था हमने निकाल लिया हुआ है, पल्प अलग कर लिया हुआ है, बीज अलग कर लिया हुआ है। और ये जो है कि पूर्वजों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता था, ये को जब कटहल रहता था जिनके यहाँ, वो पका के फिर इसे खाते थे बहुत ही प्यार से। तो हम ये दादा दादी के देंगे, दादा दादी हमारे खाएंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। तो दादा दादी को मैंने दे दिया, थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद इसका रेसिपी बनाऊँगी। क्योंकि जो पका हुआ पोहा होता है कटहल, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए जो कटहल का सारा बीज था हमने अच्छी तरीके से उसको धो लिया है। तो इधर पे हमने चूल्हे में आग को जला लिया हुआ है, अब इस पर हम रख देते हैं। तो कढ़ाई में हम डाल लेते हैं अब पानी। तो सबसे पहले जो कटहल का बीज है उसे हम उबालेंगे। तो इसमें अब हम डाल देते हैं कटहल का बीज और इसे हम 10-15 मिनट अच्छी तरीके से उबाल लेते हैं। तो कटहल के बीज की रेसिपी बनाने के लिए इधर पे हम प्याज को काट लेते हैं, लहसुन को मम्मी ने छील दिया हुआ है। तो प्याज को अब हम काट लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे क्योंकि हम लहसुन मिर्चा प्याज अदरक सब चीज का पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए इसे हम 10-15 मिनट उबाले हुए हैं और छिलका जो है कि अपने आप निकल गया है इसमें से। इसे हमें देखिए भगोले में रख दे रहे हैं। तो सारे बीज का जो छिलका है मैं उतार ले रही हूँ, ये फिसल भी रहा है। देखिए ये सारा छिलका है जो हमने उतारा हुआ है इसमें से। हमने फिर से जला लिया हुआ है, कढ़ाई में डाल देते हैं राई का तेल। तेल जो है कि गर्म हो गया है, इसमें अब हम डाल देते हैं तेज पत्ता और हल्का सा ये जीरा लिया हुआ है, हमने तड़का दे देती हूँ। तो इसमें हमने जो है कि अदरक लहसुन मिर्चा और प्याज का पेस्ट तैयार किया हुआ, जो आप लोगों को काला काला पड़ रहा है, तो हल्का सा हमने दालचीनी और लौंग पीसा हुआ है खड़ा मसाला। इसमें अदरक लहसुन मिर्चा प्याज का जो पेस्ट बनाया है वो डालेंगे हम। तो इसे अच्छी तरीके से हम पका लेते हैं। तो इसी के साथ मैं पका लेती हूँ, ये हमने पनीर मसाला रखा हुआ है। एक चम्मच हम डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, ये इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर और हम इसमें अब स्वाद अनुसार नमक इसी में डाल के पका लेंगे। तो सारे मसाले को अच्छी तरीके से हम पका लेते हैं। तो हम टमाटर को भी काट लेते हैं सब्जी में डालने के लिए। तो ये देखिए एक टमाटर हम डालेंगे। तो मसाला हमारा पक चुका है, इसमें अब हम टमाटर को भी पका लेते हैं। हमारा पक गया है और टमाटर भी हल्का सा गल गया है, इसमें अब हम डाल देते हैं जो हमने कटहल का बीज उबाला हुआ है। तो कटहल के बीज को भी अच्छी तरीके से मसाले में भूज लेती हूँ। वह इसमें अब हम डाल देते हैं हल्का सा पानी। तो ये देखिए सब्जी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो अब हम रोटी को भी सर्व कर लेते हैं। तो हमारा खाना बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आज हमने खाने में बनाया हुआ है कटहल के बीज की सब्जी और साथ में हमने बनाया हुआ है चावल रोटी। तो आप लोग कटहल के बीज की सब्जी जो है कि बना के जरूर ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी काफ़ी लाजवाब होता है और घर आए मेहमान को भी खिलाइएगा। तो हम इस वीडियो को कर रहे हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।